आइए आज द फाउंटेन कविता का मीनिंग पहले एक मिनट में देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए। पहला पार्ट है पोएट्री का। देखिए, फाउंटेन मीन्स होता फवारा, सनशाइन मीन्स होता धूप, लिविंग मीन्स होता उछलना, स्प्रे मीन्स होता फुहारा होता है। क्लियर? स्प्रे मतलब फुहारा। मोशन माने होता है गति होता है, ब्लेसम माने प्रसन्न होता है, चीयरी मीन्स होता है आनंदित। क्लियर? आनंदित का हो या बहुत ज़्यादा खुश होना। टेम मीन्स पालतू होता है, सीजलेस माने होता है लगातार, स्पारिंग माने ऊपर ही उठते जाना, एलिमेंट मीन्स होता तत्व, ग्लोरियस मीन्स शानदार, कांस्टेंट मीन्स स्थिर, रसिंग मीन्स होता फेंकता हुआ, बाय डे माने होता दिन तक, हेवन वार्ड माने होता है ऊपर की तरफ। अब आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि परीक्षा में 4 नंबर का आएगा। इन टू द मून लाइट से लेके बिलो तक, ये जो है आपका पहला स्टैंजा है, इसमें से देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है, राइट द नेम द टाइटल ऑफ द पोएम। कविता का टाइटल माने शीर्षक बताना, नाम बताना है। तो फ्रॉम विच एब नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन, जहाँ से पोएट्री की लाइनें ली गई हैं। तो आपको सीधे से बता देना द टाइटल ऑफ द पोएम इज करके कविता का नाम बताना, द फाउंटेन, उसके बाद द राइटर ऑफ दिस पोएम। अगर आपके प्रश्न में द राइटर दिया है तो राइटर भले लिख सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पोएट लिखना चाहिए, तब भी आपको पोएट लिखना अच्छा माना जाए। द पोएट ऑफ दिस लेसन ना करके दिस पोएम कर देना, इस कविता के कवि। क्लियर? इज जेम्स रसेल लावेल। क्लियर? तो आपको कह देना है कि द पोएट ऑफ दिस पोएम इज जेम्स रसेल लावेल, इस कविता के कवि जो हैं जेम्स रसेल लावेल हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट। वेविंग किस प्रकार के गतिविधि का सुझाव देता है, सजेस्ट मतलब सुझाव देना या आशय होना। वेविंग किस प्रकार की गतिविधि का सुझाव देता है, ठीक है। अभी वेविंग शब्द से किस प्रकार की गतिविधि का आशय है, आंसर बताओ। द वर्ड वेविंग सजेस्ट, वेविंग जो है सुझाव देता है, इसमें सुझाव देना, क्या सुझाव देता है, इट्स मूवमेंट लाइक ए फ्लावर, इसकी फूलों के जैसी गति का सुझाव देता है। अगला है, व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मूनलाइट। क्लियर? मतलब कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारे का कैसा रंग होता है, तो आपको बता देना द कलर ऑफ द फाउंटेन। यहाँ कलर ऑफ द फाउंटेन इज नहीं रहेगा, ऑफ द फाउंटेन, ठीक है। लिखने में थोड़ा बोल के लिखवाते हैं तो गलती हो गई। अब देखिए, कलर ऑफ द फाउंटेन इज वाइटर देन स्नो इन द मूनलाइट। चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारे का रंग जो है वाइटर देन स्नो, माने बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है तो क्या होता है, तो आपको बता देना व्हेन द विंड्स ब्लो द फाउंटेन वेव्स लाइक ए फ्लावर, जब हवा बहती है तो फव्वारा फूलों की तरह हिलता है। तो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, आपको कहना द फाउंटेन वेव्स, WAVES वेव्स, उसके बाद आपको लिखना है लाइक ए फिर फ्लावर हो, लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर आंसर होगा, वेव्स लाइक ए फ्लावर, क्योंकि प्रश्न इंडिफिनिट टेंस में पूछा गया, तो आपको भी उसी टेंस में उत्तर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला स्टैंजा जो है एवर इन मोशंस लेके एवियरी तक है। इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है इस स्टैंजा से, ईच ऑफ द एबव 4 लाइन्स, उपरयुक्त 4 लाइनें, ईच माने प्रत्येक, उपरयुक्त 4 लाइनों में से प्रत्येक डिस्क्राइब नहीं होगा, डिस्क्राइब्स वर्णन करती हैं ए पार्टिकुलर क्वालिटी, एक विशेष गुण ऑफ द फाउंटेन फवारे के। अब मेंशन देम, उनका मेंशन माने चर्चा करो या उल्लेख करो। तो कह रहा है कि जो 4 लाइन का स्टैंजा है, 4 लाइनों में फवारे के 4 गुण को बताया गया है, तो उनका आपको क्या करना है, वर्णन करना है, मतलब इंग्लिश में उसकी व्याख्या कर देना है। तो देखते हैं क्या होता है 4 लाइन के बारे में, क्या क्या आपको बना के लिखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आए इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लेना। द फर्स्ट लाइन, ठीक है, LINE रहेगा, तो द फर्स्ट लाइन डिस्क्राइब, डिस्क्राइब में हमेशा आपको यस लिखना है, क्योंकि एक एक लाइन के बता रहे हैं ना, तो जितना बार डिस्क्राइब लिखोगे सब में यस जोड़ना पड़ेगा। द फर्स्ट लाइन डिस्क्राइब इट्स मोशन, पहली लाइन बता दो इसके गति का वर्णन करता है। द सेकंड लाइन डिस्क्राइब्स, दूसरी लाइन वर्णन करती है इट्स हैप, ठीक है, हैप्पीनेस रहेगा, SAPPINESS। दूसरी लाइन इसकी प्रसन्नता का वर्णन करती है। द थर्ड लाइन डिस्क्राइब्स, तीसरी लाइन वर्णन करती है इट्स क्लाइंबिंग टुवार्ड्स अपवर्ड, इसके ऊपर की तरफ चढ़ने का वर्णन करती है, क्लाइंबिंग चढ़ना, टुवार्ड्स अपवर्ड ऊपर की तरफ। क्लियर? एंड द फोर्थ लाइन बता दो, चौथी लाइन डिस्क्राइब्स वर्णन करती है दैट इट इज नेवर टायर्ड, कि यह कभी थकता नहीं है। टायर्ड की स्पेलिंग सही कर लेना, जो लोग गलत लिखे, TIRED राइट स्पेलिंग है, TIRED टायर्ड मीन्स होता थका हुआ। क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल। स्टिल शब्द का क्या मीनिंग माने अर्थ है,
तो आपको बता देना है कि द वर्ड स्टिल मीन्स, स्टिल शब्द का अर्थ होता है इवन देन, क्या होता है इवन देन, EVEN उसके बाद जो है TSEN, इवन देन माने तो भी या इन स्पाइट ऑफ भी आप कर सकते हो, क्लियर, इसके बावजूद भी या तो भी। अब देखिए अगला है राइमिंग स्पिंग, पूछा था क्या है तो चियरी एंड वियरी आपका राइमिंग स्पिंग है, मतलब कविता के लाइन के लास्ट में आता है, हर लाइन के लास्ट में जो मैच करेगा उसको राइमिंग स्पिंग। अब देखिए अगला आपका है फुल ऑफ द नेचर से लेके एवर द सेम, इसके बीच से आपको बताना है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वाई कैन, यहाँ नथिंग रहेगा क्वेश्चन में, वाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन, फवारे को क्यों कुछ भी नहीं टेम माने पालतू बनाना या नियंत्रित करना, क्यों कुछ भी पालतू नहीं बना सकता है या नियंत्रित कर सकता है, आपको बता देना नथिंग कैन टेम द फाउंटेन, फवारे को कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज इट्स नेचर, क्योंकि यह इसका क्या है स्वभाव है, यह मतलब जो बहते रहना पानी का बहते रहना उसका क्या है स्वभाव है, तो वो बहेगा ही जरूर, क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन है हाउ डज द फाउंटेन रिमेन एवर द सेम, फवारा हमेशा कैसे रहता है, तो आंसर होगा द फाउंटेन फ्लोज एवरी मोमेंट, फवारा प्रत्येक क्षण, मोमेंट माने होता क्षण, MOMENT, अब फ्लोज माने होता बहता रहता है, एट रिमेन द सेम, फिर भी एक जैसा ही रहता है, ये आपका आंसर है, बहता रहता है हमेशा वही एक जैसा रहता है इसी तरह से, क्लियर। राइमिंग वर्ड्स आपको बताना है अगला क्वेश्चन में, तो आपको बता देना है टेम एंड सेम, टेम एंड सेम आपका राइमिंग वर्ड्स है। चलिए अगला चौथा स्टैंजा जो प्रैक्टिस करने के लिए दिया है उसको देखते हैं, कह रहा है सीजलेस स्पारिंग से लेके दाई एलिमेंट तक, ये इसके बीच से आंसर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन, फवारे के क्या तत्व हैं, तो आपको बता देना द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन आर, फवारे के तत्व हैं डार्कनेस एंड सनशाइन, अंधकार और सूर्य का प्रकाश, तो डार्कनेस आर सनशाइन जो दिया लाइन में उसको आप एंड करके जोड़ दिए, क्योंकि अपने हिसाब से प्रोज स्टाइल में लिखना है, क्लियर। दूसरा, क्योंकि आर लगा इसका मतलब क्या, एंड लगा के जोड़ना है। व्हाट लेसन डज द पोएट वांट टू गिव अस इन द स्टैंजा, इस स्टैंजा में सीजलेस वाले में कभी हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, तो आंसर बता दो द पोएट वांट्स टू गिव अस इन द स्टैंजा, गिव अस के बाद लेसन भी लिखना चाहिए था, छूट गया, गिव अस लेसन इन द स्टैंजा, स्टैंजा में हमें शिक्षा देना चाहता है, दैट ठीक है, दैट मत लिखो, केवल टू बी डायरेक्ट कर दो, क्लियर। टू बी एक्टिव, सक्रिय होने के लिए, फ्रेश ताज़ा फुल चीयरफुल प्रसन्न एंड कॉन्स्टेंट लाइक द फाउंटेन, और फवारे की तरह स्थिर होने के लिए। अगला है ग्लोरियस फाउंटेन लाइक दी, इसके बीच से आंसर आपको देखना कर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाई हैज द फाउंटेन डज नहीं रहेगा, बीन खाली रहेगा, व्हाई हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड टू ग्लोरियस, क्लियर, एज ग्लोरियस होगा, यहाँ ये गलत लिख दिया गया इसमें, फवारे को शानदार के रूप में क्यों संबोधित किया गया है, क्लियर। तो चलिए आंसर देखते हैं, आंसर होगा द फाउंटेन हैज बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, फवारे को संबोधित किया गया एज ग्लोरियस मैंने शानदार रूप में, बिकॉज क्योंकि इट इज ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव, क्योंकि यह सुंदर है और प्रभावशाली है, लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है, इसलिए कहा गया शानदार फवारे, ग्लोरियस फाउंटेन। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव, फवारे के किन गुणों को कवि जो है रखना चाहता है, तो बता दो द पोएट विशेज टू हैव, क्लियर, द क्वालिटीज इतना लिखना चाहिए डायरेक्ट बता दो, टू बी खाली कर दो, कवि होना चाहता है, होना चाहता है मतलब गुण को रखना चाहता है, एक्टिव फ्रेश एंड चेंजफुल लाइक द फाउंटेन। चलिए अगला देखते हैं ग्लाइड ऑफ फॉल वाले पैराग्राफ से, स्टैंजा से क्वेश्चन जो बने हैं, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द फाउंटेन इन एवरी वेदर, प्रत्येक मौसम में फवारे की क्या स्टेट माने स्थिति रहती है, दशा रहती है, तो आंसर होगा द, क्लियर, द स्टेट ऑफ द फाउंटेन, फवारे की दशा लुक्स ग्लैड, प्रसन्न दिखाई पड़ती है इन ऑल वेदर्स, हर मौसम में, हर मौसम में फवारे की दशा कैसी रहती है, प्रसन्न रहती है, क्लियर। या आप इसको शॉर्ट में से भी कहिए द फाउंटेन लुक्स ग्लैड इन ऑल वेदर्स, बस तब भी चल जाएगा। अब देखिए व्हाट लेसन डज द पोएट विश टू, ठीक है, वांट टू गिव अस इन द स्टैंजा, स्टैंजा में कवि क्या शिक्षा में देना चाहता, तो इसमें भी बता दो आप द पोएट वांट में अस जोड़ दो, वांट्स टू गिव अस, ठीक है, द लेसन हमें शिक्षा देना चाहता है, क्या देना चाहता है, टू मूव अपवर्ड माने ऊपर की तरफ बढ़ने की, यानी वही तरक्की करने की, एंड वर्क कंटिन्यू यानी यू ई रहे कंटिन्यू में,
और लगातार काम करने की शिक्षा देता है, विदाउट एनी रेस्ट लाइक द फाउंटेन, फवारे की तरह बिना किसी आराम के। तो फिर सुन लो, कब जो है हमें ऊपर की तरफ बढ़ने की और फवारे की तरह बिना किसी आराम के लगातार काम करने की शिक्षा देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ऐसे ही और भी लेसन की वीडियो आपको अपलोड हो मिल जाए, और अनसाल पेपर भी इस चैनल पे हल कराया जा रहा है उसकी वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।